और अभी हो रहे 6:30 एंड पिंकी जा रही है स्कूल। पिंकी वैन आने वाली है। हेलो, हमारी मैडम लोगों को भी जगा दिया है, क्यों थी जाओ। और मेरा नहाना भी हो गया, पूजा भी हो गई और खाना भी सारा बन चुका है, बिकॉज आज ज़्यादा थोड़ा काम है, ऑफिस का ही काम है, तो इसलिए मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। नवीन का टिफिन रेडी कर दिया, पीयू का टिफिन रेडी कर दिया, ये राइस भी बना के रख दिया मैंने, फ्राइड राइस बना दिया, सब बना के रख दिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू एंड पोछा दो चीज़ करनी, जो कि मैं फ्री होंगी तो करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी नवीन भी उठेंगे, उनको भी भेज दो, फिर मैं इसका काम कंप्लीट करूँगी एंड फिर वो काम करूँगी, क्योंकि दिवाली की भी सफाई करनी है, तो वो तो छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ, जिस दिन छुट्टी रहता है उस, क्योंकि 2 घंटे में 3 घंटे में टाइम मिल नहीं पाता, होता है थोड़ा बहुत होता है। सो अभी वो रेडी हो रही हैं, रेडी हो चुकी हैं, फुटवेयर डाल रही हैं, उनकी गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि इनकी गाड़ी 6:15 बजे आ जाती है। आज थोड़ी लेट हो गई बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो इसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है। बारिश हो रही है ना, मैं सुबह से उठी हूँ, 4:30 को उठी थी ना, उठी नहाया पूजा किया, उसके बाद से 5:30 हो गए, तुम्हारा चावल रोटी वोटी सब बनाया मैंने, तो सुबह सुबह बहुत काम रहता है। और अभी मैं जब तक नवीन जाएंगे तब तक मैं अभी नवीन को भी उठाऊँगी, चाय बना के ले जाऊँगी, उनको भी उठाऊँगी, फिर वो भी फ्रेश होंगे, वो भी जाएंगे, फिर अपने काम में लगूँगी। मेरे वीडियो देखा करो यार, देखती हो तो लाइक कर दिया करो। तो मैं चली चाय बनाने, चाय बना के फिर नवीन को ले जाती हूँ, क्योंकि पी हो गई, आज मैंने बनाई तोरी की सब्जी। सुबह सुबह नहा के पूजा कर लो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत, पहले मैं भी नहीं करती थी बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी आँख 4:30 पे खुली जाती है अपने आप, मैं खुद अलार्म लगा कर सोती हूँ, 5:00 का लगे आँख मेरी खुली जाती है उससे पहले, चलो आधा घंटा पहले काम कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे ऑफिस जाना रहता है इसकी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ, मेरा हो जाता है लेकिन मेरी आँखें खुल जाती है उस टाइम पर। सो शुगर फ्री, हाँ मेरे घर में शक्कर ख़त्म है और हम शुगर फ्री ही यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा कुछ चाय पीता नहीं है और मीठा बहुत कम ना के बराबर बनता है। तो मिलते हैं चाय पी के यार, मैं ऑफिस से आने के बाद ही मिलूंगी आप लोगों से। ओके, ये सो रहे हैं और मैं चाय लेकर आ गई, मेरी चाय, उठो नवीन चाय रेडी है। गाइस हमारा वॉशिंग मशीन आ गया और आप देख सकते हो सैमसंग का है ये, अभी ओपन नहीं हुआ है बिकॉज इसका जो इंजीनियर अभी आया नहीं है, सो जब आएगा फिर ओपन करेंगे, उसके सामने करेंगे कि अगर कुछ डैमेज रहेगा तो वो खुद बोलेगा, नहीं तो ओपन कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें बोलेगा, इसकी वजह से हमने ओपन नहीं किया। बोला शाम तक आ जाऊँगा, देखता हूँ, शाम तो हो ही गई, 6:00 हो रहा है, देखता हूँ कब, देखते हैं कब आते हैं, लगता है कल ही आएगा वो। और नवीन अभी आया नहीं, सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ, शाम हो गई है, भूख भी लगी है थोड़ी, क्या सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, आई थिंक ओट्स बना लेती हूँ, थोड़ा सा ओट्स मुझे पसंद भी है तो थोड़ा सा ओट्स बनाती हूँ। नवीन सब पूछती हूँ अगर वो आ रहे हैं तो ओट्स खाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं अपने लिए ही बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में ओट्स बहुत कम ही लोग खाते हैं और रात का मेरा डिनर स्किप रहता है, इसकी वजह से मैं अभी ओट्स खा ले रही हूँ।
रात के डिनर स्किप कर देती हूँ क्योंकि अभी जाना है मुझे जहाँ पे वहाँ पे, तो रात को खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं तो चार फूलना पड़ेगा। इसकी वजह से रात का खाना स्किप करती हूँ। कहीं जाती हूँ तो अगर जाना वहाँ पे प्रेशर रहा तो खाऊँगी, अदरवाइज नहीं खाती हूँ। एंड देखती हूँ ओट्स रेडी। मुझे लगता है मैगी से भी कम टाइम लगता है ओट्स में। लोग बोलते हैं मैगी 2 मिनट में, मुझे लगता है ओट्स 2 मिनट में से नहीं बनता है। और पी आ गई है, सो के उठ गई ये भी। एंड अब मैं ओट्स नवीन गेट आएंगे तो हम सोचा हम ओट्स खा लेते हैं, ये तो नवीन भी खाते हैं। नवीन खा लेंगे तो रात को खाना भी नहीं खाते इसकी वजह से। चलो भी खा लेते हैं, चलो आ जाओ। ओट्स खा के बताओ कैसा है। देखो हमने इनको छोड़ रखा है, उड़ रहे हैं लोग, पर फ्रीडम होना चाहिए यार। बार बार पिंजरे में बंद करके नहीं अच्छा लगता है। तो ठीक है, घर से बाहर नहीं जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं बेड पे सोने के लिए, और आज ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। एंड नवीन काम कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 11 o'clock। यू सो चुकी हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं करना है तो प्लीज़ अनलाइक मत किया करो यार। अनलाइक क्यों कर देते हो, जिस इससे आप लोग लाइक करते हो इसी से आप लोग अनलाइक करते हो। सेम टू सेम वही काम करो, लाइक ही करो ना, अनलाइक करने की क्या ज़रूरत पड़ी है ना। लाइक करने से आपको एक पैसे मिलते हैं ना, अनलाइक करने से मिलते हैं। सो आप किसी का भला ही करो, भजन सुना करो अनिरुद्ध आचार्य जी का, कि किसी का बुरा भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत किया करो। ओके, सो प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत करना, मैंने ऐसे ही बोला, आपकी मर्जी, लाइक करो अनलाइक करो, आई डोंट केयर, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, प्यार दो।